जब आपकी ज़िंदगी में सफ़र लिखा हो और आप घूमने के शौकीन भी हों तो आपको अल्लाह किसी भी टाइम कहीं भी लेके जा सकता है। अभी हम जा रहे हैं सवात, और सिर्फ चंद घंटे पहले हम थे 4,000 मीटर बुलंद मूसा का मसल्ला पे। प्रोग्राम के मुताबिक हमें पहले ही दिन कलाम पहुंचना था, लेकिन क्योंकि हम लेट हैं इसलिए हम डे वन में स्टे करेंगे बहरेन, और बहरेन से नेक्स्ट डे हम पहुंचेंगे कलाम इंशाल्लाह। पिछले कई दिनों से सफ़र में होने की वजह से रात को आंख जल्दी लग गई। वैसे हम लेट पहुंचे, रात तकरीबन 12:30 बहरीन बाज़ार, और सुबह उठ के बाज़ार का विज़िट किया। यहाँ अभी तक सैलाब की तबाहकारियाँ नज़र आ रही थी। कुछ ड्रोन शॉट्स मैं बहरीन बाज़ार के आपसे शेयर कर रहा हूँ। कलाम तक का रोड तो ओपन है, लेकिन आपको बहरीन से कलाम के लिए जीप करवानी पड़ेगी। आपकी अपनी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी, क्योंकि कलाम में बर्फ़ की वजह से और माइनस टेम्परेचर की वजह से रोड में कक्कर कोरा वगैरह है, जिससे आपकी अपनी गाड़ी का नुकसान भी हो सकता है। इसके बावजूद अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाना चाह रहे हैं तो स्नो चेन का बंदोबस्त अपने लिए लाजमी करके रखें। जीप का किराया बहरीन से कलाम के लिए अगर आप नाइट स्टे करते हैं तो तकरीबन 15,000 रुपये है। कलाम से बहरीन के रोड का काम तो जारी है, लेकिन ये रोड अभी तक मुकम्मल वापस बन नहीं पाया। इसमें आपको कई जगहों पर उसी तरह सैलाब की तबाहकारियाँ नज़र आएंगी। तकरीबन 35 किलोमीटर के इस सफ़र में हमारी जीप ने तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लिए, और आपका भी अगर अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो शायद इससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि रोड की आगे हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कलाम में हमने अपने लिए पहले से रूम बुक करवाए हुए हैं होटल ब्लू ओशन में। ये थोड़ा महंगा होटल है, यहाँ पे आपको सर्दियों में भी 5.5 से 6 हज़ार की रेंज में एक अच्छा रूम मिलेगा 3 to 4 बेड का। आपको वैसे अगर थोड़ा सर्च करें तो कलाम में 2,500 और 1,500 की रेंज में भी रूम्स मिल जाएंगे। वीडियो में आपको आगे चल के दिखाऊँगा भी, हमने रात को कलाम के मुख्तलिफ होटल्स को विज़िट किया और उनके रूम रेंट्स वगैरह चेक करवाए। मैं वो रूम्स भी आपके साथ शेयर करूँगा और उनके रेंट्स वगैरह भी आपको साथ साथ बताता चलूँगा। से पहले से सब बात खत्म करके आपसे बात की है। अदा कुछ भाई रुपये कुछ आजे थे चल हम के दाई दफा या हम सिर्फ हाँ अदा इन भाई रुपये कम भाई रुपये कुछ आता ठीक हाँ तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम बहरीन से कलाम पहुंच चुके हैं। रास्ते में रोड बहुत ख़राब था, एक दो दफ़ा हमारी गाड़ी लगी भी है, लेकिन उसकी मैं वीडियो भी नहीं बना सका और बनाना मुनासिब भी नहीं था। अभी हम पहुंच आए हैं कलाम बाज़ार, और हमारा जो होटल है होटल ब्लू ओशन वो कलाम बाज़ार के बिल्कुल एंड पे है, और यहीं से इसी होटल के साथ से ही ओशो फॉरेस्ट का रास्ता भी जाता है। होटल पहुंचते ही हमने सबसे पहला काम अपना सामान अपने कमरों में शिफ्ट किया, और उसके बाद हमारी अगली मंजिल थी ओशो फॉरेस्ट, लेकिन उससे पहले होटल और उसके गिर्दोनवा के कुछ ड्रोन शॉट्स। कलाम से उशू की तरफ जाता हुआ रास्ता इतना खूबसूरत था कि मेरे साथ बैठे हुए बिलाल भाई को दीवाना कर गया, और पूरे ट्रैक में उन्हें जो जो गाना याद था वो उन्होंने जरूर गुनगुनाया। अब भी सुनिए। कर लो मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। ला 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 न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। ला 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 ये किधर जा रहे हैं?
करना यहाँ पे इनको। उशु इन बुलंद पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ एक मैदानी इलाके का जंगल है, जो कि पहाड़ों के बीच मेडों के बीच में जंगल है। ये बहुत बड़ा जंगल है, इसकी साइडों पे कुछ थोड़ी बहुत आबादियाँ भी हैं। और उशु पॉइंट पे आपको बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए कुछ थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट वगैरह भी मिल जाएगी, और यहाँ पे छोटे बहुत खोखे वगैरह भी हैं जो आपको पकौड़े, चाय और इस तरह की दूसरी चीज़ें सर्व करते हैं। तो रात को कलाम बाज़ार के सीन कुछ ऐसे हैं, आपको यहाँ पे होटल अभी 1000 रुपये रेंट में मिलेगा और बहुत अच्छा रूम भी आपको 4500-5000 रुपये में मिल जाएगा। रात रेस्ट करने के बाद हम सुबह सवेरे उठे और हमारी अगेन डेस्टिनेशन थी बहरीन, और बहरीन से हमने अपनी वापस दूसरी गाड़ी में शिफ्ट होना था जीप से, और जीप से इंशाल्लाह शिफ्ट होने के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन मालम जब्बा है।